सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद एक काफी बढ़िया अनबॉक्सिंग लेकर आ चुका हूँ आप सभी के सामने। एंड आपने थंबनेल में ऑब्वियसली देख ही लिया होगा क्या है इसके अंदर। सो काफी एक्साइटिंग चीज है इसके अंदर, आपने देख ही लिया होगा गाइस। सो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड बेवलेट कमेंट को सपोर्ट करो और आगे बढ़ाओ। तो ही ऐसे ऐसे कंटेंट आपको और मिलते रहेंगे, दूसरे क्रिएटर से भी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे कंटेंट। सो गाइस, इसको खोलते हैं एंड आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी। ये है ब्लेड किंग का बॉक्स, फ्लिपकार्ट से देख सकते हो। खोलते हैं इसे एंड पहले निकलता है एक MFB लॉन्चर का रिकॉर्ड। उसके बाद हम निकालेंगे इसका लॉन्चर जो कि काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आया है। लॉन्चर को निकाल लेते हैं बाहर। रखते हैं अभी लॉन्चर को, एक नॉर्मल बेसिक सा लॉन्चर है। एंड उसके बाद हमें कुछ कागजात मिलते हैं इसमें जो कि मैं अनपढ़ हूँ, नहीं पढ़ सकता। एंड उसके बाद हमें मिलता है गाइस टड़ा फैंटम ओरायन। गाइस दिस इज फैंटम ओरायन एंड बीस्ट वेवलेट। काफी कमाल का वेवलेट है एंड ये रेपिडिटी का पहले आपको बता देता हूँ। टकार अटोमी का तो भाई बहुत ही ज़्यादा महंगा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद इसमें कुछ स्टिकर शीट एंड इसके ड्राइवर वाइवर मिलते हैं एंड एक टूल मिलता है हमें इसको असेंबल करने के लिए। जैसे कि देख सकते हो ये सब कुछ है। एक एक खोप करके खोलते हैं इनको एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आता है इसका फेस बोल्ट जो कि है फैंटम, फैंटम नहीं, ओरायन का फेस बोल्ट। एंड फोकस हो जा गाइस, अरे फोकस हो जा, हाँ हो गया फोकस। देख सकते हो ये है फैंटम का, फैंटम नहीं यार, ओरायन का फेस बोल्ट। फैंटम निकल जा रहा मुंह से। एंड ये है ओरायन का एनर्जी लेयर या फिर एनर्जी रिंग। देख सकते हो काफी बढ़िया है, एकदम चमकदार एंड रैपिडिटी का है तो चमकदार तो होगा ही। एंड उसके बाद हमें मिलता है फैंटम व्हील जो कि देख सकते हो ये इसका प्लास्टिक है, जो इसका कोर व्हील है प्लास्टिक का, एंड ये फ्यूजन व्हील या फिर जो भी मेटल व्हील बोल लो इसे, ये है रैपिडिटी का। ठीक है, क्वालिटी उतना कुछ ख़राब नहीं है, हमेशा की तरह रैपिडिटी का बहुत ख़राब होता है लेकिन उतना भी ख़राब नहीं है। एंड ये है फेक बेयरिंग ड्राइव। इसमें बेयरिंग नहीं लगा हुआ है, बस ये फ्री स्पिन करता है। टकारा टॉमी में हालांकि बेयरिंग लगा हुआ होता है किधर, इसमें वो वाला बेयरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आप बेयरिंग ड्राइवर कह सकते हो क्योंकि ठीक है वैसा ही काम करता है, ज़्यादा कुछ फर्क है नहीं। एंड रैपिडिटी जैसा कि हमेशा से ही हमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स देता है। ये है एक एक्स्ट्रा स्प्रिंट स्पिन ट्रैक एंड ये है एक एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं बॉल टिप। देख सकते हो बस यही कुछ है। एंड ये है इसका लॉन्चर, बेसिक सा लॉन्चर है MFB का। ठीक है, अच्छा है, लॉन्चर बुरा नहीं है। अभी इसको असेंबल करता हूँ बेबलेट को एंड आपको दिखाता हूँ। गाइस फाइनली ये है अपना फैंटम ओरायन। गाइस मैं कितना मतलब आज खुश हूँ आपको बता नहीं सकता। जब मैंने पहली बार टकार अटोमी का क्या बोलते बिग बैंग पेसेस लिया था तब भी मैं इतना ही खुश हुआ था क्योंकि फैंटम ओरायन है भाई ये, जो भी हो रैपिडिटी का टकार अटोमी का जिसका भी हो कमाल का बेबलेट है फैंटम ओरायन गाइस। देख सकते हो एकदम चमकदार है, नया है। मेरे को यार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा फैंटम ओरायन को हाथ में पकड़ कर, चाहे ये रैपिडिटी का ही हो क्यों ना, कोई बात नहीं गाइस, इसी से हम खुश रहेंगे क्योंकि हम अमीर नहीं है गाइस, हम नहीं खरीद सकते टकारा टॉमी का। इसे एक बार टेस्ट स्पिन कर लेते हैं इसी के लॉन्चर से। 3 2 1 एंड गाइस देख सकते हो इसका परफॉर्मेंस यार क्या खतरनाक वाला, लॉन्चर भी अच्छा है। मैं मेरा मतलब इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई गाइस। अरे भाई फैंटम ओरायन है यार, फैंटम ओरायन जो भी हो, रैपिडिटी हो या टकारा टोमी हो, फैंटम ओरायन तो फैंटम ओरायन ही रहेगा। 3 2 1 लेट इट रिप। ओ भाई साहब क्या स्पिन है यार इसका, खतरनाक वाला स्पिन है। एंड यार कैमरा में कैसा दिख रहा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना एक्साइटमेंट आपको बता नहीं सकता, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को।
सो अभी एक दो बैटल कर लेते हैं इसके साथ एंड देखते हैं बैटल में कैसा रहता है अपना बीस्ट फैंटम मोरायन गाइस। सो देखते हैं क्या होता है आगे। आज तो मैं ज्यादा बैटल नहीं करने वाला, छोटे मोटे बैटल्स करके वीडियो को एंड करेंगे। सो करते हैं लॉन्च, 3 2 1 लेट इट रिप। एंड अभी लॉन्च करते हैं अर्थ ईगल को, 3 2 1 लेट इट रिप। सो देखते हैं रैपिडिटी का फैंटम मोरायन में कितना ज्यादा दम है, क्या हरा पाएगा आर्टिकल को। अगर नहीं भी हरा पाया तो भी मैं सेटिस्फाइड रहूंगा क्योंकि टकारा टोमी का भाई क्वालिटी वेट सब ज़्यादा होता है एंड बियरिंग ड्राइव इसमें जो लगा हुआ है उतना खास नहीं है जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया था। बस एक काम चलाओ बियरिंग ड्राइव है इसमें। सो देख सकते हो काफ़ी आसानी से हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे कि हार गया या फिर जीत गया। फैंटम उरायन तो फैंटम उरायन ही होता है। 3 2 1 लेट इट रिप, 3 2 1 लेट इट रिप। एंड इस बार देखते हैं क्या होता है फैंटम ओरायन के साथ। एंड अर्टिगल अपना काफ़ी खतरनाक मूड में है, टकारा टोमी का अर्टिगल, रैपिडिटी का फैंटम ओरायन। सो देखते हैं गाइस, देखते रहो आखिर तक गाइस, मज़ा आएगा आपको भी यार। आखिर फैंटम ओरायन है, चाहे कौन से जाति का हो कौन से ब्रीड का हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस फैंटम ओरायन है यही बड़ी बात है भाई। क्योंकि ओरिजिनल वाला हम अभी के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकते यार, बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है वो, और मिलता भी काफ़ी कम मिलता है। एंड इस बार जीत गया अपना फैंटम ओरायन गाइस। सो अभी स्टॉर्म स्प्री स्प्रिगन नहीं यार, स्टॉर्म पेगासस से करते एक बार। एंड अभी अपना मॉडेड डीवी लॉन्चर आ चुका है, सो इससे थोड़ा स्पिन ज़्यादा मिलेगा इसको। 3 2 1 लेट इट रिप। एंड अभी लॉन्च करते हैं पेगासस को, 3 2 1 लेट इट रिप। एंड काफ़ी अच्छे अटैक्स पेगासस के द्वारा, लेकिन अपना फैंटम हो रहा है अभी तक टच से मस नहीं हुआ। एंड स्पीकर, अरे भाई अभी नया बेब्लेड है यार, स्पीकर निकल गया यार। बे यार यही बुरी बात होता है गाइस, फेक बेब्लेड्स का स्टिकर निकल जाता है गाइस। एंड हार गया है स्ट्रॉन्ग पेगासस, लेकिन इसका स्टिकर निकल क्यों रहा है भाई। 3 2 1 लेट इट रिप। एंड गाइस एक स्टिकर तो मिल नहीं रहा यार, नहीं, इधर ही है शायद से, स्टेडियम में ढूंढना पड़ेगा। एंड बाद में मैं इसको चिपका दूंगा फेविकॉल नहीं फेविक्विक से, अच्छे से चिपक जाएगा। एंड इस बार थोड़ा सा अपना फैंटम ओरायन बाहर चला गया, और यार सारे स्टिकर निकल गया यार, अब मैं क्या करूँ बताओ स्टिकर यार। 3 2 1 लेट इट रिप, लेट इट रिप। अब निकल गया तो क्या ही कर सकता हूँ, अब छोड़ो यार जाने दो, स्टिकर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हमारे पास फैंटम ओरायन आ चुका है, यही हमारे लिए बढ़िया बात है गाइस। सो देखते हैं हेड स्क्रबैक्स के साथ जीत पाते हैं कि नहीं इस बार। एंड हेड स्क्रबैक्स काफ़ी खतरनाक मूड में है, कहीं तोड़ ना दे हमारे रैपिडिटी के फैंटम ओरायन को, बस यही डर है मुझे कि टूट ना जाए क्योंकि रैपिडिटी का है। सो टूटने का डर ज़्यादा रहता है, ज़्यादा बैटल्स नहीं कर सकते हम। सो आज बस ये छोटे मोटे बैटल्स करेंगे, बाद में डेडिकेटेड बैटल्स भी लाऊंगा मैं फैंटम ओरायन के साथ। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइस आगे। सो इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो जल्दी से। सो लगता है हार जाएगा हेड स्क्रबैक्स के सामने। सो कोई बात नहीं, फिर भी मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इससे। सो बस फैंटम ओरायन है यही बड़ी बात है, फैंटम ओरायन ठीक है, ये फैंटम ओरायन 80,000 के फैंटम ओरायन। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड फैंटम ओरायन गाइस। अब मैं क्या ही बताऊँ, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी ब्लेडिंग।